અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારથી સન્માનિત થયેલા શિક્ષકોની સાથે સંવાદ કર્યો. પુરસ્કૃત વિજેતાઓએ વડાપ્રધાનને તેમના શિક્ષણનો અનુભવ જણાવ્યો હતો. તેઓએ શિક્ષણને વધુ રસપ્રદ બનાવવા માટે તેમના મારફતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી રસપ્રદ તકનીકો વિશે પણ વાત કરી. નિયમિત શિક્ષણ કાર્યની સાથે એમના દ્વારા કરવામાં આવતા સામાજિક કાર્યના ઉદાહરણો પણ શેર કર્યા. તો શિક્ષકો સાથે વાતચીત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શિક્ષણની કળા પ્રત્યે સમર્પણ અને વર્ષોથી તેમણે પ્રદર્શિત કરેલા નોંધપાત્ર ઉત્સાહની પ્રશંસા કરી, જેને પુરસ્કારો મારફતે માન્યતા આપવામાં આવી છે. दादा थे. अच्छा, वो हमारे बहुत हास्य लेखक हुआ करते थे. हाँ जी सर. तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर. क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत कहते हैं आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं. हाँ सर, वो बाइक पर मैं जो हमारा प्रवेश उत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से, सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशनल अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ. जैसे पंखेड़ा है हमारा, सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा. हाँ, हो जाए. पंखेड़ा तो उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखेड़ा तो उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने केजे भणवा आवे रे, मारा गामना बाळकोने केजे शाळामां आवे रे. हे पंखेड़ा, ओहो पंखेड़ा, पंखेड़ा हो. ये गुजराती बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, उन्होंने इसको शब्द बदल दिए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो. मैंने अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं. और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ. 20 भाषा के साथ. अरे वाह. अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कुटनाडन पुंजे इल्ले तित्ते तग तै तै तुम कच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तित्ता तित्ते तै कट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम. अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ पधारो वेलकम. सो वा उड़ी पड़े त कन्नी नाई वा वा कौंड नेंजी नाई वा. अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आ हिंद देश माजा, आनंद कंद ऐसा. अगर कन्नड़ा में भारत नमदु अंदु इंदु एंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय जरिय नम्मिदु, भारत नमदु भारत माता को नमन करता हूँ. अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदरी, ओ कुण बीजे मोड़ में वा मिसहरी. बहुत बहुत बढ़िया. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर एक भारत श्रेष्ठ भारत. हाँ. यही मेरा जीवन मंत्र है सर. चलिए बहुत और अच्छा. सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर. थैंक यू सर. उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था तो मुझे याद आया आज. और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में. बड़ी पहचान थी उनकी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा. जी बहुत अच्छा लगा. तो शिक्षक दिन निमित्त शिक्षकों ने सम्मानित करवामा आव्या. गुजरात ना बे शिक्षकों ने राष्ट्रपति पुरस्कार थी सम्मानित कराया. विजय भाई अने चंद्रेश भाई बोरी ने सम्मानित कराया. चंद्रेश भाई 20 विविध भाषाओं में गायन साथ अभ्यास करावे छे. गुजरात ना बे शिक्षक वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने पण मळ्या. चंद्रेश भाई बाळकों ने हिंदी गुजराती सहित 20 भाषाओं शीखवे छे. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गुजरात के शिक्षक चंद्रेश भाई बोरी सागर जी, जिन्हें कल राष्ट्रपति ने बेस्ट शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है. कल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे. सर स्वागत है गुजरात में. सर आपका नमस्कार. कैसा लग रहा सर अब? बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए. हमारे राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से मुझे नेशनल टीचर अवार्ड
2024 से सम्मान मिला है, तो मेरे लिए जीवन का अमूल्य क्षण है और मेरा सौभाग्य, मेरे राष्ट्र के द्वारा यह सम्मान बहुत खुशी की बात है। कल आपके पीएम साहब से भी मुलाकात हुई, आप 20 अलग अलग भाषाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं गुनगुना के अलग ही तरीके से, इसके बारे में कुछ ब्रीफ करें। जी सर, मैं पिछले 21 साल से शिक्षा के क्षेत्र में एज टीचर काम कर रहा हूँ और हमारे राष्ट्र के माननीय वड़ाप्रधान श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी कल मुलाकात हुई, बहुत ही मेरे लिए एक प्रेरक मुलाकात रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मेरा जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस है उसको शेयर करने का मेरा सौभाग्य मिला मुझे। सो उसमें जो आपने कहा कि अलग अलग भाषाओं के गीत, तो संगीत एक ऐसा विषय है सर कि उसके माध्यम से कठिन विषयों को मैं सरल बना सकता हूँ और कोई भी बना सकता है, क्योंकि संगीत का जो प्रभाव है वो किसी भी मनुष्य पर ही सीमित नहीं है, सभी सजीव सृष्टि पर भी संगीत का बहुत प्रभाव रहता है। और हम जानते हैं ऋषि काल की अगर बात कर झाँके हमारे इतिहास में, तो सितार वादन को सुनने के लिए हिरण भी चले आते थे, तो पशु पक्षियों पर भी संगीत का बहुत प्रभाव रहता है। तो संगीत मेरा रस का मेरा हॉबी है और उसको एज अ पेडागोजिकल टूल, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी हम देखें तो चैप्टर 4 में 4.7 यह कहता है कि आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजिकल अप्रोच, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। सो बच्चों को सिखाने के लिए संगीत के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से बच्चों को सिखा सकता हूँ। जैसे हमारे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, वैसे अगर मैं बच्चों को केरल स्टेट के बारे में सिखाता हूँ तो वहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम में गीत गाके सुनाता हूँ बच्चों को और बच्चों को सिखाता भी हूँ, तो बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो और उसी के माध्यम से हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा निर्माण है वो हम कर सकेंगे और करते आ रहे हैं। लेकिन अगर कई बार ये संभव नहीं है कि बच्चों को सभी जगह ले जा सके, तो जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ वहाँ की बात, वहाँ के वीडियोस के द्वारा, वहाँ के फोटोग्राफ्स के द्वारा भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि दिल्ली में ये जगह देखने के लिए है। और मेरे बच्चों के लिए भी ये प्रेरणादायक रहेगा कि मैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से सम्मानित हुआ हूँ और वो फोटोग्राफ, वो हमारा जो सम्मान पत्र है, जब मेरे बच्चे देखेंगे तो उसके जीवन में भी एक ऊर्जा का संचार होगा। यहाँ से भी दिल्ली से इस ट्रिप से इस वक्त हम प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख कर बच्चों के लिए लेकर ही जा रहे हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।